Good morning class. This is our new pathology class in which today we will start our new topic, that is pathology of CNS. CNS हम लोग start कर रहे हैं, ये हमारा नया chapter है जिसमें सबसे पहली disease जो हम पढ़ रहे हैं वो है hydrocephalus. Hydrocephalus is an excessive accumulation of cerebrospinal fluid within the ventricular spaces of the brain. मतलब ब्रेन के वेंट्रिकुलर स्पेसेस में अत्यधिक मात्रा में सीएसएफ का इकट्ठा हो जाना ही हाइड्रोसेफेलस कहलाता है. आपने एक अमिताभ बच्चन की मूवी देखी ना पा, पा में जो अमिताभ ने रोल किया, जो केस दिखाया गया, दैट इज़ हाइड्रोसेफेलस, जिसमें एनलार्ज हेड हो जाता है, उसमें पानी भर जाता है, ग्रोथ देखो रिटार्डेड हो जाती है, तो वो हाइड्रोसेफेलस है. तो वही टॉपिक हम आज पढ़ रहे हैं. इसके अंदर ये सब चीज़ें हमारे को पढ़नी हैं. अब सबसे पहले हाइड्रोसेफेलस एक मेजर इम्पॉर्टेंस रख रहा होता है, कॉमनली बच्चों में देखा जाता है और ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के बाद ये बड़ों में भी देखा जा सकता है. इसको डिफाइन अगर करें तो इसमें एबनॉर्मल कलेक्शन हो जाता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का ब्रेन के वेंट्रिकल्स में. ये एबनॉर्मली क्यों एक्यूमुलेट हो जाता है? ये इकट्ठा हो जाता है या तो सीएसएफ का ओवर प्रोडक्शन हो रहा हो, या उसके फ्लो में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा हो, या उसका एब्जॉर्प्शन कम हो गया, सीएसएफ का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए, उसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाए, या उसके फ्लो में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए. तो इन तीन कारणों से ब्रेन के वेंट्रिकल्स में सीएसएफ ज़्यादा एबनॉर्मली इकट्ठा हो जाता है, तो उस कंडीशन को अपन हाइड्रोसेफेलस कहते हैं. अब एपिडेमियोलॉजी, हाइड्रोसेफेलस जो है 500 में से एक बच्चे के अंदर ऐसा देखा जा रहा होता है. गर्ल्स बॉयज़ में इक्वल रेशियो है इसके होने का, कोई रेशियल भी कोई डिस्क्रिमिनेशन देखा जाता, सभी लोगों में हो सकता है. हेड इंजरी के बाद अक्सर ये देखा जाता है. ये रिलेवेंट एनाटॉमी बताई गई है, भाई देखो सीएसएफ कैसे सर्कुलेट होता है. एरेक्नॉइड ग्रेन्यूल्स बताए गए हैं, ड्यूरल साइनस है जिसमें वीनस ब्लड ट्रैवल कर रहा है, सब एरेक्नॉइड स्पेस ये दिखाया गया है, ब्लड ट्रैवल करेगा. कॉरड प्लेक्सेस है, CSF का प्रोडक्शन की साइट कॉरॉइड प्लेक्सस होता है, यहीं पे CSF बनेगा. ये लेटरल वेंट्रिकल्स वगैरह, ये आई, और तो ये सब कुछ ट्रैवल करते हुए इसमें बताया गया है. ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कैसे लेफ्ट वेंट्रिकल से, ये लेटरल वेंट्रिकल से होता हुआ ये जो ट्रैवल कर रहा है उसके बारे में ये चीज़ें बताई गई है CSF के सर्कुलेशन के बारे में, जो आपने कहाँ पर पढ़ी हुई है, एनाफिजियो के अंदर ये चीज़ें आपने पढ़ी हुई है. अब सीएसएफ जो है, मैंने कहा वेंट्रिकल्स के कॉरड प्लेक्सस के अंदर प्रोड्यूस होता है. वहाँ ये जो चार्ट दिया हुआ है ना यहाँ पर, ये लेफ्ट साइड में, इसी चार्ट को हम लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं. देखिए, वेंट्रिकल्स के कॉरड प्लेक्सस के द्वारा ये बनता है. ये लेटरल वेंट्रिकल से, दो लेटरल वेंट्रिकल से, दोनों लेटरल वेंट्रिकल से फ्लो होता हुआ थर्ड वेंट्रिकल में फोरामन ऑफ मोनोरी से जाता है. फिर ये फ्लो होकर के फोर्थ वेंट्रिकल में एक्वेडक्ट या सेल्वियस के थ्रू निकल जाएगा. यहाँ फोर्थ वेंट्रिकल से ये फ्लो होता हुआ सिस्टर्न में जाता है, लेटरल फोरामन ऑफ लश्का से होता हुआ, फिर मीडियन फोरामन ऑफ मैजेंडाई के थ्रू ये ट्रैवल हो रहा होता है. सीएसएफ इस लश्का के फोरामन से फ्लो होता हुआ पॉन्टाइन सिस्टर्न में, देन लंबर सिस्टर्न में जाएगा, फिर यहाँ मैगेंडी के फोरामन से फ्लो होता हुआ सुपीरियर सिस्टर्न में जाएगा. लंबर सिस्टर्न और सुपीरियर सिस्टर्न ज्वाइन होकर के वहाँ से सीएसएफ निकलेगा और फ्लो होता हुआ सब एरेक्नॉइड स्पेस में चला जाएगा. यहाँ पर ये एरेक्नॉइड विल्लाई ग्रैन्यूलेशन के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब ये हर समय लगातार बनता रहेगा और लगातार एब्जॉर्ब होता रहेगा. ये एब्जॉर्ब्ड सीएसएफ फ्लो होता हुआ साइनस के कॉन्फ्लुएंस तक जाएगा, ड्रेन होकर के वीनस ब्लड में, स्ट्रेट साइनस के थ्रू वीनस ब्लड में चला जाता है. अब ये इकट्ठा क्यों हो जाता है जबकि ये लगातार चल रहा है, तो फिर कैसे इसका अमाउंट अचानक कुछ में बढ़ जाता है? तो इसके दो रीजंस होते हैं, इसकी इटियोलॉजी दो कारणों से देखा जा रही होती है, एक तो कंजेनाइटल और दूसरी एक्वायर्ड. कंजेनाइटल में हो सकता है सिल्वियस स्टेनोसिस के एक्वीडक्ट में, या आर्नोइड क्लैरी का माल फॉर्मेशन हो जाए, या स्टेनोसिस हो जाए किसी फोरामेन में, या डैंडी वॉकर सिंड्रोम हो जाए, या फीटल नियोनेटल इन्फेक्शन हो जाए जैसे टॉक्सोप्लाज्मोसिस वगैरह की वजह से.
एक्वायर्ड में ट्रॉमा हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस या वेंट्रिक्युलाइटिस के रूप में, कोई कैंसर हो सकता है कॉरोइड पैपिलोमा के रूप में जैसे होता है, हैमरेज जैसे इंट्राक्रेनियल हैमरेज अगर हो गया हो तब भी ये कॉज हो जाता है। तो ये इसकी ईटियोलॉजी है। अब क्लासिफिकेशन, अगर हम देखो, एक तो मैंने कहा है कि भाई प्रॉब्लम आ रही होती है कि या तो ये बन ज़्यादा रहा हो या ये एब्जॉर्ब कम हो रहा हो, या फिर एक कारण मैंने बताया था कि उसके फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए। तो जो फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, इस ऑब्स्ट्रक्शन के बेसिस पर अपन इसको दो क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं, कम्युनिकेटिंग और नॉन कम्युनिकेटिंग। नॉन कम्युनिकेटिंग को अपन ऑब्स्ट्रक्शन इन CSF भी कहते हैं, और कम्युनिकेटिंग जो है वो फॉल्टी एब्जॉर्प्शन ऑफ CSF की वजह से दिखाता है। अगर CSF के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस, या फिर CSF के एब्जॉर्प्शन में कोई प्रॉब्लम आ गई है, फॉल्ट आ गया, तो उसको कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस कहते हैं। तो नॉन कम्युनिकेटिंग के में हमने क्या लिखा है, फ्लो ऑफ CSF इज ब्लॉकेड, ब्लॉक हो गया, CSF का फ्लो हो नहीं पा रहा अलॉन्ग वन और मोर ऑफ द नैरो पाथवे, जिस नैरो पाथवे से वो निकल रहा होता है वेंट्रिकुलर सिस्टम में, जिस नैरो पाथवे से वो निकल रहा होता है अगर उस पाथवे में कोई ब्लॉकेज आ जाए तो CSF का फ्लो रुक जाता है। कम्युनिकेटिंग में फ्लो जो है ब्लॉक्ड नहीं होता वेंट्रिकुलर सिस्टम में, पर इसका however it can be blocked after it exits the ventricular system, पर अगर ventricular system में चला जाए तो हो सकता है block हो गया। पर mainly आप note down कर लीजिए, communicating hydrocephalus जो है वो क्यों होता है, due to faulty absorption of CSF के faulty absorption से हो रहा होता है। इसके अलावा मैं थोड़ा सा risk factors भी आपको बता दूँ, हाइड्रोसेफेलस बच्चों में क्यों होता है, तो इंट्रा यूट्राइन इन्फेक्शन हो जाए, जो हमने यहाँ पर बोला था ना टॉक्सोप्लाज्मोसिस वाली लाइन बोली थी, ये रही टॉक्सोप्लाज्मोसिस वाली, तो ये इंट्रा यूट्राइन इन्फेक्शन हो जाए, इंट्राक्रेनल हैमरेज हो जाए बर्थ ट्रॉमा या प्री मेच्योरिटी की वजह से, और ओल्डर चिल्ड्रन में ये मैनिंजाइटिस, मैस्टोऑर्डाइटिस, क्रॉनिक ऑटाइटिस मीडिया, ब्रेन ट्यूमर या इंट्राक्रेनल हैमरेज की वजह से हो सकता है। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स, तो फेलियर टू थ्राइव, प्यास नहीं लगती है, एनलार्जमेंट ऑफ हेड बड़ा हो जाता है सर, जैसा पावर मूवी में आपने देखा ही था, फेलियर टू अचीव माइलस्टोन्स, स्कैल्प वेन जो है इनकी अपनी जगह से हिल जाती है, डिस्टेंडेड स्कैल्प वेन आपको देखने को मिलेगी, CSF का प्रेशर बढ़ जाने से स्कैल्प की वेन जो है वो हिल जाती है। इसके अलावा इंक्रीज स्कल सरकमफेरेंस, स्कल का सरकमफेरेंस बढ़ जाता है, जिसे थिन शाइनी फ्रेजाइल लुकिंग स्कैल्प स्किन दिखाई देगी CSF का प्रेशर बढ़ जाने की वजह से। लिथार्जी, वॉमिटिंग, सन सेटिंग ऑफ आईज आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सन सेटिंग ऑफ आईज एक्चुअली क्या है, इसमें हो क्या रहा है, डिप्रेस्ड ऑर्बिटल रूफ विद डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द आई, आई जो है वो नीचे की तरफ झुक जाती है, एंड प्रोमिनेंट स्क्लेरा फ्रॉम द इंक्रीज प्रेशर, प्रेशर बढ़ जाने की वजह से प्रोमिनेंट स्क्लेरा और आई जो है ना वो डाउनवर्ड उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है ऑर्बिटल रूट से, इसको अपन ये कह रहे होते हैं सन सेटिंग ऑफ आईज। और ये क्यों हो रहा है, थर्ड वेंट्रिकल कंप्रेशन हो जाता है सुपीरियर कॉलिक्यूलस की वजह के ऊपर, और टेंस बल्जिंग फॉन्टेनल जो है आपको दिखाई देंगे, मतलब ये जो फॉन्टेनल है वो टेंस्ड हो जाएंगे और बाहर की तरफ निकले हुए दिखाई देंगे। स्कल की वाइडनिंग हम बोल ही चुके हैं, और ये जो वॉमिटिंग हो रही है वो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग है ICP बढ़ जाने की वजह से। इसके अलावा आप देखेंगे तो हाई पिच्ड श्रिल क्राई आपको बच्चों की मिलेगी, इरिटेबिलिटी, एबनॉर्मल मसल टोन दिखाई देगी लेग्स में न्यूरोलॉजिकल कंप्रेशन की वजह से, तो ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही होती हैं। इसके अलावा अगर एडल्ट्स में यही हाइड्रोसिफेलस हुआ है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स और अलग हो जाती हैं, जैसे हेडेक रहने लगता है स्पेशली मॉर्निंग के समय पर, क्योंकि ICP बढ़ गया है, CO2 का रिटेंशन होने लग जाता है जिससे कि वैसो डायलेशन हो जाएगा, ICP बढ़ता है जिससे कि कंप्रेशन होएगा और पेन होने लग जाएगा, पेनफुल सेंसिटिव ड्यूरा बन जाएगी। दूसरा कि प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग हो रही होती है मॉर्निंग के टाइम पर, और ये जो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग हो रही है इस वॉमिटिंग से फ़ायदा होता है पर्सन को, क्योंकि उसका सरदर्द जो है वो ठीक हो जाता है। नेक्स्ट अपन बोल रहे हैं ड्रॉजीनस, बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही होती है, पैपिली
ओडिमा, पैपिली एडिमा क्या चीज़ है? ऑप्टिक डिस्क एडिमा इसको अपन कहते हैं। आपने कई बार कई लोगों को देखा होगा उनकी आंखों के नीचे जो है ऐसे काफ़ी फूला हुआ पार्ट दिखाई देगा, ज़्यादा फूला हुआ, वो होता है पैपिली एडिमा। इसके अलावा कुशिंग ट्रायड, जिसमें कुशिंग ट्रायड्स में क्या होता है, बीपी हाई हो जाता है, हार्ट बीट लो हो जाती है, काइन स्ट्रोक ब्रीदिंग हो जाती है। इनके अलावा इम्पेयर्ड इंटेलेक्ट हो जाती है, यानी बौद्धिक क्षमता बिगड़ जाती है, इनकंटिनेंस हो जाता है, एटेक्सिया हो जाता है एडल्ट्स के अंदर। तो ये एडल्ट्स के क्लिनिकल फीचर्स हैं। मैनेजमेंट तो ठीक है, ये आपको दिखाया गया है, प्लेन एक्सरे दिखाया गया है, एक्सरे से देख सकते हो, सिटी स्कैन से आप देख सकते हो। पर खैर ये देखें, उससे पहले मैं आपको कुछ पैथोलॉजिकल चेंजेस बता देती हूँ, फिर ये देखने की बात अपन करेंगे। पैथोलॉजिकल चेंजेस क्या आते हैं? वेंट्रिकल्स डायलेट हो जाते हैं ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, कि भाई कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है उसके वजह से वेंट्रिकल्स डायलेट दिखाई देंगे। थिनिंग एंड स्ट्रेचिंग ऑफ ब्रेन एंड लार्ज स्कैल्प वेन, फॉन्टेनेला रिमेन ओपन, ये पैथोलॉजिकल चेंजेस है कि इनके फॉन्टेनल ओपन रह जाते हैं, स्कैल्प वेन काफ़ी बड़ी हो जाती है और ब्रेन जो है थिन हो जाता है, स्ट्रेचिंग हो जाती है। होएगी ना भाई, देखो सर बड़ा हो गया, नॉर्मल से बड़ा हो गया तो ये स्किन खिंच जाएगी, पतली हो जाएगी, तो ब्रेन जो है वो थिनिंग और स्ट्रेचिंग हो जाती है ब्रेन के अंदर। अब ये डायग्नोसिस जो अपन कह रहे हैं, तो सबसे पहला हमने बोला था कि स्कल का आप एक्सरे करवा सकते हो, जिसमें आपको थिनिंग ऑफ स्केल दिखाई देगा, सूचर सेपरेट हुए हुए दिखाई देंगे और फॉन्टेनल्स आपको वाइड दिखाई देंगे। इसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं, सिटी स्कैन अपन करवा सकते हैं, तो वही वेंट्रिकल के साइज वगैरह का पता चलेगा, अंडरलाइन कॉज आपको पता चल जाएगा, कोई मास इफेक्ट, डिग्री ऑफ मास इफेक्ट पता चलेगा। दूसरे इन्वेस्टिगेशन में अपन फुल ब्लड काउंट करवा सकते हो, तो इन्फेक्शन का पता चलेगा क्योंकि WBC बड़ी भी मिल जाएगी। इलेक्ट्रोलाइट, यूरिया, क्रिएटिनिन भी अपन चेक कर सकते हैं। एंजियोग्राफी कर सकते हैं वेसल्स की, तो वो एबनॉर्मल मिलेगी क्योंकि स्ट्रेचिंग हुई है। सिटी स्कैन, MRI, तो आपको पता ही है भाई, टिश्यू डेंसिटी वगैरह पता चल जाएगी, फ्लूड का पता चल जाएगा। लंबर पंक्चर कर सकते हो, तो फ्लूड प्रेशर आप चेक कर पाओगे। वेंट्रिक्यूलोग्राफी आप कर सकते हो, तो वेंट्रिकुलर डायलेशन दिखाई देगा एक्सेसिव फ्लूड के साथ में। ये डैंडी वॉकर सिंड्रोम में कैसे आपको दिखाई देगा, ये पिक्चर में पता चल रहा है अपन को। ये हाइड्रोसिफेलस सिटी स्कैन में आपको दिखाया गया है, जिसमें लेटरल वेंट्रिकल्स आपको एनलार्ज दिखाई दे रहे हैं लेफ्ट वाले में, और मिकी माउस जैसा साइन आपको राइट में दिखाई दे रहा है। ट्रीटमेंट बाई सर्जरी है। कॉम्प्लिकेशन, वीपी शंट हो सकता है, और वीपी शंट के साथ में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे शंट फेल हो सकते हैं, शंट होने में ब्लॉकेज आ सकता है, इन्फेक्शन भी होने के चांसेस रहते हैं। बस इतना ही है आपका हाइड्रोसिफेलस। तो इसके साथ अपना आज का ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू क्लास।